हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। एक सीएलसी ने वादा किया था आपसे, नीट 2013 से 19 तक जो भी पेपर हुए हैं उनकी वीडियो सॉल्यूशन देने का। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम शुरुआत हुई बॉस के द्वारा। बॉस ने आपको फिजिक्स के जितने भी पेपर हैं वो सारे सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन के रूप में आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। इसके बाद केमिस्ट्री के जो पेपर हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं और अब बारी है अपने बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जूलॉजी पोर्शन और बॉटनी पोर्शन सेपरेटली जो है वो वीडियो सॉल्यूशन के रूप में प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं सुनील सोरान, सीनियर जूलॉजी फैकल्टी सीएलसी सीकर, मैं आपको जूलॉजी के जो पोर्शन है वो कवर अप करवाऊंगा। ओके, यहाँ पर अपन टॉपिक वाइज जो हैं इन क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जूलॉजी में अपन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से इसकी स्टार्टिंग होगी। ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप पढ़ लें इसको, अपन साथ भी पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इन ह्यूमन गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर एब्जॉर्प्शन साइट। डाइजेस्टेड प्रोडक्ट के एब्जॉर्प्शन साइट की बात हो रही है। एंड मैकेनिज्म इन कॉलम सेकंड, कॉलम सेकंड में आपको मैकेनिज्म दिखा रखा है। अपने को करेक्ट मैच जो है वो स्टूडेंट फाइंड आउट करने हैं। आइए मूव करते हैं। कॉलम फर्स्ट में आप देखें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड क्या है, ये फैट के डाइजेस्टेड प्रोडक्ट कहलाते हैं। ओके, तो फैट के डाइजेशन के रिजल्टेंट बनने वाला ग्लिसरॉल फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन साइट इसकी कहाँ है, ड्यूडेनम में। एक्चुअल में जो डाइजेशन है वो डाइजेशन ड्यूडेनम में होगा, जेजुनम में इसकी एब्जॉर्प्शन साइट कहलाएगी। तो ये बात अपनी क्या होगी, गलत होगी। मूव एज ए काइलोमाइक्रॉन, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है एक्शन ऑफ एंजाइम के द्वारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट में बदलेगा और उनके चारों ओर वाटर के ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर मिसेल का फॉर्मेशन करेंगी। मिसेल जो है ये इंटेस्टाइनल जो वॉल है वहाँ पहुँचेगा, रिफॉर्मेशन होगा इसका और ये रिफॉर्मेशन के रिजल्टेंट काइलोमाइक्रॉन बनेगा। काइलोमाइक्रॉन अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, लैक्टियल में पहुँचेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना पहला मैच क्या है, रॉन्ग हो गया। कोलेस्ट्रॉल, माल्टोज, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में शुगर प्रोडक्ट की एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, बात क्या है, गलत। तो सेकंड वाला भी क्या हो गया, रॉन्ग। ग्लाइसिन, ग्लूकोज, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, ग्लूकोज शुगर की फॉर्म है, कहाँ एब्जॉर्ब होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, नो डाउट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होती है और एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा, ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ग्लूकोज की जो फॉर्म है ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एब्जॉर्ब होती है। कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो भी यहाँ पर एक्टिव एब्जॉर्प्शन के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। नंबर थ्री क्या हो गया, करेक्ट। चौथा देखें, फ्रक्टोज एंड सोडियम, फ्रक्टोज की बात करें यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिएटेड, फैसिलिएटेड प्रोसेस के द्वारा जो है फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ क्या दे रखा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन बता रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन बता रखा है, तो यहाँ पर फैसिलिएटेड आना चाहिए था, ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर थ्री। ओके, हाँ तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू को स्टडी करें आप। इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाई, तो डाइजेशन की अगर बात करें तो डाइजेशन ह्यूमन के केस में कहाँ स्टार्ट हो गया था स्टूडेंट, बक्कल कैविटी में। सभी स्टूडेंट जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ स्टार्च जो है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, स्लेवरी अमाइलेज के द्वारा बक्कल कैविटी में डाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। अब ये स्टार्च का जो डाइजेशन है ये बोलस जो फॉर्म बक्कल कैविटी से स्टमक की ओर जा रहा है इसोफेगस से होते हुए वहाँ इसका डाइजेशन जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ओके, स्टमक में जाकर एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण जो स्टार्च का डाइजेशन चल रहा था बोलस में वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब मिल्क के डाइजेशन की ये बात कर रहा है तो मिल्क के डाइजेशन में आप इन ऑप्शंस को देखें तो क्या देखेंगे, इन्फेंट्स में रेनिन पाया जाता है, सभी स्टूडेंट को पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिल्क का कंपोनेंट है कैसिन, उसकी जो डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट हो जाती है, स्टमक रीजन में स्टार्ट हो जाती है। तो इनिशियल स्टेप क्या बन जाएगी, रेनिन के द्वारा होने वाला डाइजेशन बन जाएगा। इसके लिए मैं आपके सामने स्टेप्स लिख दूँ इसकी। तो जो रेनिन फॉर्म है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, क्या कहते हैं बच्चों, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन HCl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है, रेनिन में। ओके स्टूडेंट, ये जो रेनिन है ये अब मिल्क के कंपोनेंट कैसिन पर एक्ट करेगा,
और इसको किस में बदल देगा? पैराकेसिनेट में। पैराकेसिनेट पर एक्शन होती है कैल्शियम प्लस टू की, किस में बदल जाता है? कैल्शियम पैराकेसिनेट में। और ये जो कैल्शियम पैराकेसिनेट बना है यही क्या कहलाता है? कर्ड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब इस कैल्शियम पैराकेसिनेट के ऊपर कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन एक्ट करेगा और इसको किस में बदल देता है? पेप्टॉन्स में बदल देता है। तो ह्यूमन के केस में इनिशियल स्टेप ऑफ मिल्क डाइजेशन जो है वो किसके द्वारा ऑपरेट होता है? रेनिन के द्वारा। यहाँ एक और चीज़ आप याद रखना, एक आगे चलकर रेनिन और आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इसको पढ़ेंगे अपन। ये एक हॉर्मोनल फॉर्म है, ओके, ये एक एंजाइमेटिक फॉर्म है, आर ई डब्ल एन आई एन एंजाइमेटिक फॉर्म, आर ई एन आई एन हॉर्मोनल फॉर्म। ओके स्टूडेंट, हाँ तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़ें आप। फ्रक्टोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड थ्रू म्यूकोसा सेल ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस कॉल्ड, क्या कहलाता है? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में अपन ने एक ट्रिक देखी थी, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फैसिलिएटेड डिफ्यूजन। ओके, तो आप देखें कौन सा प्रोसेस हो जाएगा इसमें? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा फ्रक्टोज नहीं जाएगा, फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट। एग्जैक्टली ये आंसर अपने को पहले भी पता था, अभी अपन ने वापस बोल दिया है इसको। सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा नहीं जाएगा। को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है स्टूडेंट? इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मेम्ब्रेन के जो चैनल्स हैं उनसे होते हुए आयंस का मूवमेंट होना, ओके, और ये आयंस के मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी होगी? ऑपोजिट टाइप की। इसका एग्जाम्पल आप याद रखना, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो है वो को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का एग्जाम्पल बनता है। लेकिन अपने से पूछा किसका है? फ्रक्टोज की बात की है, तो फ्रक्टोज किसके द्वारा होता है स्टूडेंट? फैसिलिएटेड डिफ्यूजन या फैसिलिएटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर, आइए स्टडी करें। गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स कंटेन, जो नवजात होते हैं उनके गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है? तो आप सभी को पता है क्या क्या पाया जाएगा। पेप्सिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है ये, एग्जैक्टली पाई जाती है स्टमक में, ठीक है। पेप्सिनोजन आप देखिए पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पेप्सिनोजन तो नो डाउट जाएगा। लाइपेज सबको पता है, गैस्ट्रिक रीजन में जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें स्मॉल कंपोनेंट गैस्ट्रिक लाइपेज का भी बनता है, तो लाइपेज पोर्शन भी प्रेजेंट होगा। रेनिन, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में अपन ने बात की थी, इन्फेंट्स में रेनिन की प्रेजेंस देखी जाती है, तो इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या पाया जाता है? ये तीनों ही कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, क्रॉस चेक और कर लें आप। अगली बात देखें, अमाइलेज स्टमक कंटेंट में नहीं होगा। अगली बात आती है माल्टेज, माल्टेज जो है ये इंटेस्टाइनल रीजन में जाकर अपने को कंपोनेंट के रूप में मिलेगा, डाइसैकेराइडेज के रूप में पाया जाएगा। अगला आता है न्यूक्लियेजेज, न्यूक्लियेजेज क्या है? डीएनएज, आरएनएज, पैनक्रियाटिक जूस का कंपोनेंट बनता है। ओके स्टूडेंट, तो आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर वन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फाइव, आइए स्टडी करें। गट ऑफ काउ एंड बफेलो पजेज, काउ और बफेलो का जो गट है, जो एलिमेंट्री कैनाल रीजन है, क्या पाया जाता है? कौन सा इनमें से जो है वो फॉर्म प्रेजेंट होती है? तो सबको पता है कि मेथेनोजन्स जो हैं वो काउ और बफेलो के गट में प्रेजेंट होते हैं। मेथेनोजन्स जो हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा मेथेन का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो आंसर अपना क्या चला जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर वन, मेथेनोजन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टडी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्टूडेंट, जब भी क्वेश्चन में नेगेटिव अप्रोच आ जाए, नोट आ जाए, उसको आप हाईलाइट कर दिया करो, क्योंकि अक्सर अपन यहाँ पर छोटी सी गलती कर जाते हैं, अपन करेक्ट को क्लिक कर जाते हैं, अपने से इनकरेक्ट पूछा है। आइए देखें क्या है। ऑक्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सीक्रेट HCl। यहाँ एक कंसेप्ट आप याद रखना, क्या है? एक पेप्टिक, या इसे ही क्या बोलते हैं, चीफ सेल, किसका सिक्रीशन करती है? पेप्सिनोजन। अनोदर सेल है पैराइटल, या इसे ही क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक।
किसका सिक्रेशन करती हैं? HCl एंड कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ओके स्टूडेंट, ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है अपना, ऑक्जेंटिक सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रेट HCl। ऑक्जेंटिक सेल HCl का सिक्रेशन कर रही हैं, बात क्या है? सही पूछा क्या है? इनकरेक्ट, अपना आंसर नहीं होगा। एसिनाई आर प्रेजेंट इन द पेनक्रियाज, पेनक्रियाटिक एसिनाई की ये बात कर रहे हैं, एंड सिक्रेट कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कार्बोक्सी पेप्टिडेज किसका एग्जाम, किसकी फॉर्म है? ये पेनक्रियाटिक जूस की फॉर्म है, कहने का मतलब एंजाइमेटिक पार्ट बनाता है। ओके, तो पेनक्रियाटिक एसिनाई, पेनक्रियाज की जब टीएस आपने पढ़ी थी तो उसमें पेनक्रियाटिक एसिनाई आपने देखा था, आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स की अपन ने बात की थी। पेनक्रियाटिक एसिनाई एक्जोक्राइन पार्ट बनाता है और आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंड्स जो हैं वो एंडोक्राइन पोर्शन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी क्या हो गया, करेक्ट। तीसरा पढ़ें, ब्रूनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ स्टमक। गौर करें स्टूडेंट, इधर आना जरा, स्टमक में बात कर रहा है, स्टमक किस सब म्यूकोसा में? नो, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम में ब्रूनर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर तीन क्या हो गया, करेक्ट। पूछा क्या है अपने से, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर तीन अपना क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन है। अगला क्रॉस चेक के लिए और पढ़ लें, गोबलेट सेल आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीक्रेट दी म्यूकस। बिल्कुल ठीक बात है, गोबलेट सेल के द्वारा सीक्रेट होने वाला जो म्यूकस है, ये म्यूकस इन लाइनिंग्स को क्या करता है, एसिडिक इफेक्ट से बचाने का काम करता है। तो ये भी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर थ्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, आइए स्टडी करें आप क्वेश्चन को। प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन। यहाँ पर स्टूडेंट दो बातें कर ली है इन्होंने, प्राइमरी डेंटिशन की बात कर ली है, परमानेंट डेंटिशन की बात कर ली है। प्राइमरी डेंटिशन, इसको अपन चाइल्ड डेंटिशन भी कह सकते हैं, परमानेंट डेंटिशन इसको अपन अडल्ट डेंटिशन भी कह सकते हैं। ओके, प्राइमरी डेंटिशन जो है ये डेसिडुअस टाइप का होता है, कहने का मतलब रिप्लेस हो जाती हैं टीथ इसमें, और यहाँ पर रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ जो है वो नहीं देखा जाता है, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग, क्या नहीं होता है प्राइमरी डेंटिशन में जिसके कारण वो परमानेंट से डिफर हो गए हैं? तो चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने क्या बनता है स्टूडेंट, 2102/2102। ये किसको बताता है, इंसाइजर को। ये किसको बताता है, कैनाइन। ये किसको बताता है, प्रीमोलर। ये किसको बताता है, मोलर को। ओके, और परमानेंट डेंटिशन की अगर मैं बात करूं तो परमानेंट डेंटिशन में यही फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, 2123/2123। डेंटल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं सभी, क्या होता है डेंटल फॉर्मूला, इट इज हाफ ऑफ द जो, जो एक साइड के अपर हाफ और लोअर हाफ में नंबर ऑफ टीथ जो प्रेजेंट होते हैं, और कौन से ऑर्डर में, ICPMM ऑर्डर में, इंसाइजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर ऑर्डर में, क्या कहलाता है, ये डेंटल फॉर्मूला कहलाता है। एंड डेंटल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय टू, अगर डेंटल फॉर्मूला को दो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अपने पास में स्टूडेंट क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टीथ आ जाते हैं। तो परमानेंट डेंटिशन अपने पास क्या बन गया, 2123। इसको और इसको मैं कंपेयर करूँ तो आप देखें, 2 2 इक्विवेलेंट है, 1 1 इक्विवेलेंट है, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 3 3। इसका मतलब है मोलर यहाँ भी पाए जाते हैं, मोलर यहाँ भी पाए जाते हैं, तो मोलर में थर्ड मोलर का डिफरेंस आता है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी थर्ड मोलर नहीं दिया हुआ है, अकेला मोलर बोल रहा है। मोलर को अगर चिन्ह करेंगे तो मोलर तो यहाँ भी पाया जा रहा है, मोलर यहाँ भी पाया जा रहा है, डिफरेंस कहाँ क्रिएट होगा अपना, कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पर डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो गया, प्री मोलर पर। परमानेंट डेंटिशन में प्री मोलर पाए जाते हैं, और जो प्राइमरी डेंटिशन है, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला है, उसमें ही क्या नहीं पाया जाता है, प्रीमोलर टीथ नहीं पाए जाते हैं। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, आइए। एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सकस एंटेरिकस। सकस एंटेरिकस क्या है, ये इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल एंजाइम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, आइए देखें। माल्टेज डाइसैकेराइडेज फॉर्म है, बिल्कुल सकस एंटेरिकस का फॉर्म है। न्यूक्लियेजेज,
अभी मैंने बताया था डीएनएज आरएनएज बच्चों किसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं पेनक्रियाटिक जूस के, इसका मतलब नॉट प्रेजेंट पूछा है तो इंटेस्टाइनल कंपोनेंट नहीं है। कौन सा? न्यूक्लियोजेज। क्रॉस चेक कर लें फिर भी, न्यूक्लियोसाइडेजेज न्यूक्लियोटाइडेजेज उधर एग्जांपल बना था, साइडेजेज इधर पाया जाएगा इंटेस्टाइनल जूस में, सक्कस एंटेरिकस में। लाइपेज पेनक्रियाटिक जूस में भी पाया जाता है, पेनक्रियाटिक लाइपेज इंटेस्टाइनल जूस में भी इंटेस्टाइनल लाइपेज प्रेजेंट होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं जाएगा। आंसर कौन सा हो गया बच्चों? न्यूक्लियोजेज। डीएनएज एंड आरएनएज आर कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, नॉट दी सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस बोलो या इंटेस्टाइनल जूस बोलो, तो अपना आंसर कौन सा चला गया? आंसर नंबर टू। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। स्टडी करें इसको आप। विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूडेनम। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहने का मतलब कॉमन बाइल डक्ट और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बनाती हैं, जिसको एम्पुला ऑफ वेटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्पुला ड्यूडेनम में ओपन होगा, उस ओपनिंग साइट पर किसके द्वारा ये गार्ड होता है? तो स्टूडेंट आप सभी को पता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ पर प्रेजेंट होता है। आंसर में आप सर्च कर लें कौन सा है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में, एडिशनल नॉलेज के रूप में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कलर चेंज करते हुए। आप सभी को पता है बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट आएगी, कॉमन बाइल डक्ट, इसमें कौन आकर मिलेगी? मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। मेन पेनक्रियाटिक डक्ट कॉमन बाइल डक्ट में जहां खुलती है, वहां कॉमन बाइल डक्ट पर खुलने के स्थान से पहले ठीक क्या पाया जाता है? स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट, यहां स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन की प्रेजेंस देखी जाएगी। ये दोनों मिलेंगी तो क्या बन जाएगी? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कह दो, या इसे ही एम्पुला ऑफ वेटर कह दो। एम्पुला इज स्वेलिंग पोर्शन, एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर कहां खुलेगा बच्चों? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में इसके खुलने के स्थान पर क्या प्रेजेंट होगा? यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हाय स्टूडेंट, जो अपना क्वेश्चन नंबर 9 था, इस क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ वॉल्व और भी प्रेजेंट है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। इलियोसिकल वॉल्व, जहां स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम जो है ये सीकम पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन में जहां खुलेगी, वहां पाया जाने वाला वॉल्व क्या कहलाता है? इलियोसिकल वॉल्व कहलाता है। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्टमक जो है ये स्टमक के चार पोर्शन होते हैं। यहाँ मैं आपका ध्यान चाहूँगा, कोई अगर पुरानी एनसीईआरटी स्टूडेंट पढ़ रहा है तो स्टमक के वहाँ पर तीन ही रीजन बताए गए थे, लेकिन अपडेटेड जो एनसीईआरटी है या इस साल की एनसीईआरटी की बात करें तो चार रीजन की बात करेंगे। कौन कौन सा है? कार्डियक, फंडिक, बॉडी, पाइलोरिक। तो स्टमक का जो लास्ट पोर्शन ड्यूडेनम में ओपन होता है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक रीजन कहलाता है। पाइलोरिक पोर्शन ऑफ स्टमक ड्यूडेनम में जहाँ ओपन होगा, वहाँ पाइलोरिक रीजन पर क्या पाया जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये अपन ने बताई दिया। हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होगी? ड्यूडेनम में, उसकी ओपनिंग पर पाया जाएगा। सेमी लूनर वॉल, सेमी लूनर वॉल ये हर्ट से संबंधित है, याद करो अपन ने बात की थी, एओर्टा की ओपनिंग पर पाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही जो पल्मोनरी आर्क है उसकी ओपनिंग पर प्रेजेंट होता है सेमी लूनर वॉल। तो अपना इसका आंसर कौन सा चला गया था? ऑप्शन नंबर 3। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें आप। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय द, गैस्ट्रिक एसिड किसके द्वारा सिक्रेटेड है? तो यहाँ पर दो इन्फॉर्मेशन आप याद रखें। पहले दो सेल के नाम मैंने आपको बताए थे। स्टमक में एक तीसरी सेल और पाई जाती है जो म्यूकस नेक सेल कहलाती है, म्यूकस का सिक्रीशन ये करती है। ओके, और एक्सक्रिएशन अफेक्ट ऑफ एसीएल से स्टमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करवाने का ये काम करेगी। वो दोनों सेल जो पहले मैंने आपको बताई थी, याद करो आप, एक पैराइटल सेल या उसे ही क्या बोला था? ओग्जेंटिक सेल भी बोला था। बच्चों किसका सिक्रीशन किया था? एससीएल और कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का इसने सिक्रीशन किया था। दूसरी सेल कहलाई थी पेप्टिक सेल
या उसे ही क्या बोला था, चीफ सेल कहा था, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रीशन वो करवाती है। यहां अपने से क्या पूछ रहा है, गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रीटेड बाई, गैस्ट्रिक एसिड कौन सिक्रीट करेगा और गैस्ट्रिक एसिड को कौन सिक्रीट करवाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलस जो ही स्टमक में पहुंचेगा तो पाइलोरिक एंट्रम, जो स्टमक की बात अपन ने की थी, उस स्टमक का जो लास्ट वाला पोर्शन है क्या कहलाता है, पाइलोरिक एंट्रम। इस पाइलोरिक एंट्रम से सिक्रीट होती है एक पेप्टाइड हार्मोन की फॉर्म, क्या कहलाती है, गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल से सिक्रीट हो रहा है। और ये गैस्ट्रिन कहाँ एक्ट करेगा, यहाँ की जो सेल्स हैं जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करेंगी उनके ऊपर एक्ट करेगा। और किसका सिक्रीशन करवाता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन, वो सेल्स कौन सी कहलाती हैं बच्चों, पैराइटल सेल कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, स्टडी करें आप क्वेश्चन को। विच हार्मोन डू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइकार्बोनेट, पैनक्रियाटिक जूस और बाइकार्बोनेट के प्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ आप जानते हैं पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन का स्टिमुलेशन कौन देता है, कोलेसिस्टोकाइनिन एंड पेनक्रियोजाइमिन, ये दोनों कंबाइन एक्शन दर्शाते हैं। और इसमें सीसीके का फंक्शन क्या होता है बच्चों, बाइल जूस का सिक्रीशन करवाना, पेनक्रियोजाइमिन का सिक्रीशन एक्चुअल में क्या है, वो प्रोडक्शन करवाएगा किसका, पेनक्रियाटिक जूस का। तो सीसीके एंड पीजेड दोनों कंबाइंडली एक्शन करते हैं। यहाँ पेनक्रियोजाइमिन नहीं दे रखा है लेकिन कोलेसिस्टोकाइनिन दे रखा है, इसका मतलब इसके साथ में और कौन है, पेनक्रियोजाइमिन भी है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन अपना आंसर चला जाएगा। इसके बाद कह रहा है बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन कौन करवाता है, तो बाइकार्बोनेट सिक्रीशन पेनक्रियाटिक जूस में वो फंक्शन किसका है, सिक्रीटिन का। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 चला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 11 की बात होगी। इसमें अदर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो भी आप देख लें, गैस्ट्रिन दे रखा है, अपने अभी बात कर ली थी जी सेल से सिक्रीट होगा, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन करवाता है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, पेनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा सिक्रीट हो रहा है और क्या करवाता है, ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाने का काम करता है। इंसुलिन आ गया, ग्लूकागोन आ गया, इंसुलिन एंड ग्लूकेगोन दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन होते हैं, ऑपोजिट फंक्शन करने वाले हार्मोन कहलाते हैं। ग्लूकेगोन इज सिक्रीटेड फ्रॉम अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियाज। एंजियोटेंसिन एंड एपिनेफ्रिन, इनका सिक्रीशन कहाँ से हो रहा था, एंजियोटेंसिन ये तो आप याद करो RAAS मैकेनिज्म, उसके दौरान जो है एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन हुआ था और इसका प्रिकर्सर कहाँ बना था, लीवर में बना था। एपिनेफ्रिन की अगर बात करें तो ये एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन कहलाता है। ओके, तो अपना आंसर इसके क्वेश्चन का कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी करें आप इसको। विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लीवरकॉन सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम, कौन सी सेल क्रिप्ट ऑफ लीवरकॉन की एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीवरकॉन की सेल कौन सी हैं, पैनेथ सेल लीवरकॉन की सेल है, अर्जेंटाफिन लीवरकॉन की सेल कहलाती है। ओके, अर्जेंटाफिन तो सिक्रीशन करती है किसका, सिक्रीटिन का। ठीक है, पैनेथ सेल किसका सिक्रीशन करवाती है, लाइसोजाइम का। तो लाइसोजाइम इज सिक्रीटेड फ्रॉम दी पैनेथ सेल, अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसमें दो अदर सेल और भी दी गई हैं, एक कफर सेल है, तो कफर सेल किसकी है, लीवर की, सबको पता है। जाइमोजन सेल, ये जाइमोजन सेल कौन सी हैं, जो इनएक्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन करती है, नॉन एज क्या कहलाती हैं, जाइमोजन सेल, अपना आंसर चला गया ऑप्शन नंबर 1। हाई स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन अपना आएगा क्वेश्चन नंबर 13, देखें आप। ए बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर, 2 साल का बच्चा है, इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड पासेज थ्रू ए डेंटल चेकअप, प्ले स्कूल में जाता है, डेंटल चेकअप होता है बच्चे का। द डेंटिस्ट ऑब्जर्व्ड दैट द बॉय हैड 20 टीथ, बच्चे के कितने दांत हैं, 20 टीथ हैं, 20 दांत हैं। विच टीथ वर एब्सेंट, तो अभी मैंने जब डेंटल फॉर्मूले की बात की थी उस डेंटल फॉर्मूले के दौरान आपको बताया था चाइल्ड का डेंटल फॉर्मूला बच्चों क्या बनता है, 2102/2102। बच्चे में कौन से टीथ नहीं होते हैं, तो आप देखें प्री मोलर टीथ बच्चे में नहीं पाए जाते हैं, अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, प्री मोलर, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट द एंजाइम कंपोजिशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम कंपोजिशन का
कौन सा एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखें आप, अमाइलेज पेनक्रेटिक अमाइलेज पाया जाता है, पेप्सिन स्टमक में है गलत बात, ट्रिप्सिनोजन और माल्टेज माल्टेज डाइसेकेराइड किस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल सकस एंटेरिकस में प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है, ये भी नहीं जाएगा, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन चला जाएगा। अगला देखें आप, पेप्टाइडेजेज अमाइलेज फिर से आ गया, पेप्सिन नहीं जाएगा, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिनोजन प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, ये सारे कंपोनेंट किस में पाए जाते हैं आप क्वेश्चन में देखें, पेनक्रेटिक जूस के कंपोनेंट कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर चला जाएगा। चौथा भी देख लें, अमाइलेज पेप्टाइडेज ट्रिप्सिनोजन और रेनिन, रेनिन इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ पेनक्रेटिक जूस, पेनक्रेटिक जूस का कंपोनेंट नहीं है, ये तो इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर थ्री, तो 14 का आंसर हो गया थ्री। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प्स इन इरिथ्रोपोइसिस, डायरेक्टली आरबीसी फॉर्मेशन में मदद नहीं करती है, वर्ड इरिथ्रोपोइसिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आरबीसी फॉर्मेशन को, इनडायरेक्टली हेल्प करती है आरबीसी फॉर्मेशन में। तो अभी मैंने आपको एक कंपोनेंट के रूप में बता भी दिया था कि जो सेल्स अपन ने बात की थी, पेप्टिक या चीफ सेल, पैराइटल या ऑक्सिजेंटिक सेल, पैराइटल या ऑक्सिजेंटिक सेल किसका सिक्रीशन कर रही थी स्टूडेंट, वो एससीएल और कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर का, कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर जो यहाँ सिक्रीट हो रहा है स्टमक रीजन में, ये इंटेस्टाइनल रीजन में एब्जॉर्ब होगा और फिर किस में हेल्प करेगा, आरबीसी मैचुरेशन में हेल्प करता है, तो वो सिक्रीशन किसके द्वारा हो गया, आप देख लें यहाँ पर, चीफ सेल पैराइटल सेल, गोबलेट और म्यूकस सेल इसका आंसर नहीं जाएगा। अब इन दोनों कंपोनेंट में फिर से आप मैं आपको बता दूं, वहाँ पर अपन ने दो सेल देखी थी, एक पेप्टिक सेल कहलाई थी, एक चीफ सेल कहलाई थी, ठीक है, पेप्टिक बोल दो, चीफ बोल दो, पैराइटल सेल बोल दो, ऑक्सिजेंटिक बोल दो, तो पैराइटल सेल से सीक्रेट होता है कैस्ट्रल इंट्रिंसिक फैक्टर, ऑप्शन नंबर टू करेक्ट आंसर चला जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए, स्टडी करें आप इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब ह्यूमन डेंटिशन, मानव में जो दांत पाए जाते हैं, ह्यूमन में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, उस डेंटिशन को किस किस नाम से जाना जाता है, तो आप देखें कॉम्बिनेशन यहां पर कौन कौन सा हो जाएगा, थीकोडोंट जबड़ों में धसे हुए दांत कहलाते हैं, डाइफायोडोंट लाइफ टाइम में दो बार अपीयर होते हैं, और हेटेरोडोंट डिफरेंट टाइप का डेंटिशन होता है, टीथ की जो शेप होती है डिफरेंट होती है, इंसाइजर कैनाइन प्री मोलर एंड मोलर डिफरेंट टाइप के टीथ पाए जाने के कारण हेटेरोडोंट टाइप का डेंटिशन कहलाता है, ऑप्शन नंबर अपना कौन सा चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में एक मैंने बात आपको बताई थी कि जो म्यूकस सिक्रेट हो रहा है गोबलेट सेल के द्वारा, वो म्यूकस इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआई ट्रैक्ट की लाइनिंग को एंजाइम की एक्शन से प्रिवेंट करवाता है, और वो म्यूकस कौन सिक्रेट करता है, ऑप्शन आप देख लें, गोबलेट सेल के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन इन द ऑर्गन, इधर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बता रखी हैं और इधर इनको मैच अपने को करवाने हैं, ठीक है, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, हाँ स्टूडेंट कहाँ पाए जाते हैं, तो क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन की अगर बात करें, इन ऑप्शन को मैच करवाएं, तो एक आंसर चला जाएगा अपना थर्ड, मैच करवाने का बेस्ट मेथड है, आप इधर की ओर जो मैचिंग बन रही है वो लिख दें आप, ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स कैप्सूल किसकी यूनिट बनी थी स्टूडेंट, लीवर में, तो इसका कौन सा चला जाएगा फोर्थ, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती हैं, पेनक्रियाज का पोर्शन बनाती हैं, और ब्रूनर्स ग्लैंड ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, तो इसका कौन सा चला जाएगा सेकंड, आप देखें सीक्वेंस से 3 4 1 2 3 4 1 2 कौन सा ऑप्शन जा रहा है, थ्री तीनों में आ रहा है, 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, हाँ तो स्टूडेंट ये जो अपने 18 क्वेश्चन किए हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम किए हैं, तो
13 से लेकर 19 तक 2016 में जहां नीट दो बार हुई थी, तो इन टोटलिटी ऑफ पेपर की बात करें 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, 8 साल के जो पेपर हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन कितने आए हुए हैं, 18 क्वेश्चन आए हुए हैं। अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन जो है नीट में हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर आता है अपना 11th का, चैप्टर नंबर 17, कौन सा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका क्वेश्चन नंबर 19 अपन देखते हैं। आइए देखें, फिगर शोज स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन विच लेबल्ड ए टू डी, आइडेंटिफाई लेबल एंड गिव्स इट्स फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर एक डायग्राम अपने को दिखा रखा है और इस डायग्राम में लेबलिंग दी गई है ए बी सी डी। इस ए बी सी डी जो लेबलिंग है इसके लिए क्या बात जो है वो करेक्टली मैच है, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। आप देखें, सी इज वेना केवा, इधर देखें, सी वेना केवा है क्या, बिल्कुल बॉडी पार्ट से ब्लड को लेकर हर्ट के चैम्बर में आ रही है, राइट एट्रिया में आकर खुल रही है, वेना केवा, ठीक है। टेक्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द राइट ओरिकल, करेक्ट बात है। पी सी ओ टू 45 mmHg होता है, बिल्कुल ठीक बात है, बॉडी पार्ट से आने वाला डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू 45 mmHg कहलाता है। अगला देखें, तो अपने को आंसर तो चाहिए था, आंसर तो आ गया अपना, क्रॉस चेक करना पड़ेगा। डी डोर्सल एओर्टा है, डी डोर्सल एओर्टा है, नहीं स्टूडेंट, ये हर्ट के राइट वेंट्रिकल में से ब्लड को लेकर लंग्स को जा रहा है, क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया। अगला कह रहा है ए पल्मोनरी वेन है, लंग्स से ब्लड को लेकर कहाँ आ रही है, लेफ्ट ओरिकल में आकर खुल रही है, तो ए क्या कहला गई, पल्मोनरी वेन, सही बात है। टेक्स इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड नहीं, ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है लंग्स रीजन से, तो ये बात भी क्या होगी अपनी, गलत होगी। चौथा ऑप्शन देखें, बी इज पल्मोनरी आर्टरी, बी पल्मोनरी आर्टरी है, नो पल्मोनरी आर्टरी तो बच्चों कौन सी बनी थी, डी बनी थी, ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला गया, फर्स्ट। ओके, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, देखें आप इसको। फिगर शोज ए डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोरेसिक चैम्बर आपको यहां पर दिखाया गया है डायग्राम के द्वारा। विच लेवल ए बी सी डी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन एंड और करेक्टरिस्टिक। तो इन लेबलिंग के विषय में करेक्ट को अपने को चूज करना है। आइए देखें क्या है, सी एल्वियोलाई है, सी एल्वियोलाई है क्या, एग्जैक्टली ये देखो लेबल किया गया है इसको, ये एल्वियोलाई है। थिन वॉल्ड वेस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी की डेफिनेशन है फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, तो ये बात क्या हो गई, सही है। डी क्या है, लोअर एंड ऑफ लंग्स, डी इज लोअर एंड ऑफ लंग्स, लंग्स के लोअर एंड तो ये कहलाने चाहिए थे, ये डी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायफ्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखें, ए इज ट्रेकिया, ए ट्रेकिया है क्या, बिल्कुल ठीक बात है, ट्रेकिया है। लॉन्ग एंड सपोर्टेड बाई कंप्लीट कार्टिलेजिनियस रिंग, यस गौर करना यहां पर कंप्लीट वर्ड दे दिया है, आप सभी को पता है ट्रेकिया पर पाई जाने वाली सी शेप्ड कार्टिलेजिनियस जो रिंग होती है ये इनकम्प्लीट होती हैं, और इनकम्प्लीट किधर की ओर, पीछे की ओर, डोर्सल साइड की ओर इनकम्प्लीट कहलाती हैं, क्योंकि उधर से इसके प्रॉक्सिमिटी में कौन गुजर रहा है, ईसोफेगस गुजर रहा है। अगर कार्टिलेजिनियस रिंग स्टूडेंट कंप्लीट होती पीछे की ओर तो फिर जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहे हैं ईसोफेगस में वो कंडक्ट नहीं हो पाते, तो ये क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर 4 और देख लेते हैं, बी इज प्लूरल मेम्ब्रेन, क्या बी प्लूरल मेम्ब्रेन है, एग्जैक्टली ठीक बात है, लंग्स के बाहर हैं, रिब्स के अंदर की ओर हैं, प्लूरल कहलाती हैं, पैराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा, बीच की कैविटी, प्लूरल कैविटी, भरा हुआ फ्लूड प्लूरल फ्लूड कहलाता है, तो बी प्लूरल मेम्ब्रेन है। सराउंड्स रिब्स ऑन बोथ साइड्स, रिब्स को सराउंड करती हैं, नो रिब्स के तो अंदर की ओर पाई जाती हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन तो लंग्स को सराउंड करती हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो अपना करेक्ट आंसर क्या चला गया स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 चला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड
विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, यहाँ मैं दोनों ही गैसेज के कंपोजिशन की बात कर दूँ आपको। ऑक्सीजन की अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3% O2 जो है वो डिजोल्व फॉर्म में टिश्यू रीजन तक ट्रांसपोर्ट की जाती है ब्लड के द्वारा, और 97% ऑक्सीजन जो है वो किस रूप में, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब CO2 ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, CO2 ट्रांसपोर्टेशन 3 फॉर्म में होता है। 70% CO2 ट्रांसपोर्टेशन किस फॉर्म में किया जाता है, बाइकार्बोनेट आयन में किया जाता है, अप्रोक्सीमेटली 70%। ओके, डिजोल्व गैस की बात करें तो नियरली कितना, 7% CO2 इस फॉर्म में चला जाएगा। एज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन किस रूप में कितना चला जाएगा, 22-25% ऑफ CO2 ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ पर अपने से 70% की बात कर रहा है, 70% किस रूप में जाता है स्टूडेंट, बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। एक्चुअल में क्या होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, आप स्टडी करें इसको। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ, आपको अपनी सांस रोकनी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेज इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू द ब्रीथ। आपने अपनी सांस रोक ली, सांस रोकने के बाद कौन सी गैस में चेंज हो जिसके कारण आपको इच्छा उत्पन्न होगी दोबारा सांस लेने की। कहने का मतलब आप अपनी सांस को जो रोके हुए हो वो कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। तो यहाँ एक NCERT की लाइन आप याद रखें कि अर्ज टू इनहेल कब जनरेट होता है, जब ब्लड में CO2 की कंसंट्रेशन और H+ आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ऑक्सीजन का इसमें कोई भी रोल नहीं है। आ जाएं ऑप्शन देखें, राइजिंग CO2 लेवल, ठीक बात है, CO2 लेवल बढ़ेगा तो अर्ज टू इनहेल जो है सांस लेने की इच्छा उत्पन्न होगी। फॉलिंग ऑफ O2 कंसंट्रेशन, मैंने फिर से बता दूं आपको, अभी अभी बताया था ऑक्सीजन का कोई भी रोल इसमें नहीं होता है। फॉलिंग ऑफ O2 कोई रोल नहीं, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन बिल्कुल ठीक बात है, फॉलिंग CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन फॉल होगा तो अर्ज टू इनहेल डेवलप नहीं होगा, गलत बात होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 3rd चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 स्टडी करें इसको आप। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इन्वॉल्व्ड इन गैस एक्सचेंज इज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। गौर करना स्टूडेंट, NCERT की लाइन है कि एल्वियोलर सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो गया है ड्यू टू डैमेज इन द एल्वियोलर वॉल। और ऐसा कहाँ देखा जाता है, ऐसा एम्फाइसीमा के केस में देखा जाता है। ऑप्शन में देखें आप, एम्फाइसीमा कहाँ है, ये ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर चला जाएगा। ओके, हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 को अपन थोड़ा सा डिटेल से और भी देख लेते हैं, जो अदर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। न्यूमोनिया की बात कर रहे हैं, न्यूमोनिया में क्या हो जाता है, न्यूमोनिया एक इन्फ्लामेशन है किसका, एल्वियोलाई की वॉल का। इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस होने की बात नहीं करेंगे, तो इसके लिए आप याद रखें इन्फ्लामेशन ऑफ एल्वियोलाई। अस्थमा, सभी जानते हैं जो एलर्जन है वो एलर्जन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स में इसके कारण क्या अराइज होता है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होता है। वहाँ की मास्ट सेल जो है वो स्टिमुलेट होती हैं, हिस्टामिन का सिक्रीशन करती हैं, और ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स क्या कहलाता है, अस्थमा कहलाता है। प्लूरिसी क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन इज नॉन एज प्लूरिसी के नाम से जाना जाता है। और लास्ट कौन सा, एम्फाइसीमा, जिसकी अपन ने बात करी ली कि एल्वियोलर सरफेस एरिया जो इन्वॉल्व है गैसेस एक्सचेंज में वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है, ये एक एल्वियोलाई है स्टूडेंट आपके सामने, अनोदर एल्वियोलाई है, तो दो एल्वियोलाई के बीच में जो सेप्टा बन रहा है ये सेप्टा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। और जो इलास्टिक टिश्यू यहाँ के होते हैं वो इलास्टिक टिश्यू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस हो जाता है किस में, एम्फाइसीमा में। NCERT की एक लाइन और याद रखें आप, सिगरेट स्मोकिंग इज मेजर कोज है किसका, एम्फाइसीमा का। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 23 की बात होगी। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा यहाँ पर, 24। क्वेश्चन नंबर देखें 24, नेम दी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, चीरकालीन श्वसन रोग है कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। अभी इससे ठीक पहले वाले क्वेश्चन में मैंने एडिशनल पॉइंट के रूप में आपको बता भी दिया था सिगरेट स्मोकिंग किसका एक मेजर कॉज बनता है, तो एम्फाइसीमा का मेजर कॉज कौन सा है बच्चों, सिगरेट स्मोकिंग। यहाँ पर बात करें अस्थमा, इसके लिए कौन है, एलर्जेंस हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस, यहाँ ये दो नई चीज़ दी गई हैं, इसके बारे में आप सुने। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है,
अगर CO2 अफेक्टिवली ब्लड से एल्वियोलाई में नहीं पहुंच पाती है तो ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, CO2 लेवल बढ़ेगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहलाता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। अगर CO2 ज़्यादा जाने लग जाएगी तो ब्लड में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एल्केलाइन कंडीशन वहाँ अराइज हो जाती है, pH वहाँ बढ़ जाती है, ये क्या कहलाती है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस के नाम से जानी जाती है। अपना आंसर इसका कौन सा है जिसमें सिगरेट स्मोकिंग कॉज बनता है, एम्फाइसीमा। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, यहाँ मैं आपका ध्यान चाहूँगा, आप देखें लगातार जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी, फिजियोलॉजी के किसी भी सिस्टम की बात करें उसके डिसऑर्डर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं आपको। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा का कारण क्या है, इसको मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया है इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में, और वो किसकी वजह से होता है अस्थमा, आप देखें एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास सेल इन द लंग्स, लंग्स में, लंग्स में भी कौन से रीजन में, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स रीजन में, जो एलर्जेंस आ रहे हैं बाहर से उनकी वजह से मास सेल स्टिमुलेट होंगी, हिस्टामिन का सिक्रीशन करेंगी, ये एलर्जिक रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, अस्थमा के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा अपना, 1 चला जाएगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, देखें आप, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज, लंग्स की एल्वियोलाई में PO2 के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप देखें ये बात कर रहे हैं एल्वियोलाई में PO2 की, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वियोलाई, और आप सभी जानते हैं एल्वियोलाई में बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 PO2 कितना होता है जी, वो होता है 104 mmHg, 104 mmHg, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में बात करनी है। मोर देन दैट इन द ब्लड, ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं डीऑक्सीजनेटेड की बात करूं तो वहां तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 40, और मैं बात करूं ऑक्सीजनेटेड की तो वहां कितना था, 95। ये क्या कह रहा है, एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ज़्यादा होता है ब्लड से, तो कोई सी कंडीशन ले लो निश्चित बात है ज़्यादा ही होता है, तो पहली बात क्या है, ठीक है, अपने से पूछ भी क्या रहा है, करेक्ट ऑप्शन की बात कर रहा है। लेस देन दैट इन द ब्लड, ब्लड से कम होता है, ब्लड में ये दोनों कंडीशन बन रही हैं, क्या एल्वियोलाई में इससे कम है, नो, रॉन्ग स्टेटमेंट। लेस देन दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से कम होता है, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा होगा। इक्वल टू दैट इन द ब्लड, जो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मिलेगा उसके बराबर होगा, ब्लड में कितना पाया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड की बात करेंगे 40 मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड की बात करेंगे 95 मिलेगा, इक्वल नहीं होगा। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है वो ज़्यादा होता है, किससे, बाकी सभी ऑप्शन के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो, पहला ऑप्शन अपना करेक्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, क्वेश्चन नंबर 27, स्टडी करें इसको आप, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ, जो अपन ब्रीथ कर रहे हैं आप सभी को पता है अप्रोक्सीमेट 12 से 16 बार एक मिनट में हेल्दी इंडिविजुअल जो है वो ब्रीथ आउट करता है, ठीक है, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करता है। लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ, श्वास लेने के बीच में फेफड़े चिपकते नहीं हैं, कोलैप्स नहीं होते हैं, एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड आउट, ठीक है, तो दो ब्रीथ के बीच में लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं होते हैं, वो हमेशा अपनी एक शेप को मेंटेन रखते हैं। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है उन लंग्स की एल्वियोलाई में भरा हुआ कुछ एयर का वॉल्यूम जो कभी भी इन लंग्स को छोड़कर नहीं जाएगा। अगर सिंपली मैं इसको कहूँ तो ये प्राण वायु है, जब तक प्राण है, जब तक जान है, तब तक ये वायु बनी हुई है, जान नहीं तो ये वायु भी नहीं, और ये क्या कहलाता है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स, ओके। और रेजिडुअल वॉल्यूम बने रहने का कारण क्या होता है, जो एल्वियोलाई हैं उन एल्वियोलाई के ऊपर एक नेगेटिव प्रेशर लगता है, नेगेटिव प्रेशर कहने का मतलब है बाहर की ओर ये प्रेशर जो है ये ऑपरेट होता है, जिसके कारण ये फुली हुई रहती हैं, पिचकती नहीं है। तो पॉजिटिव प्रेशर अंदर की ओर लगता है, पॉजिटिव प्रेशर ऑप्शन नहीं होगा, तो नेगेटिव प्रेशर लगेगा, नेगेटिव प्रेशर कहाँ है, लंग्स के अंदर है, तो इंट्राप्लूरल कहलाएगा। ऑप्शन को आप देख लें कि ब्रीथ के बीच में लंग्स पिचकते क्यों नहीं है, देयर इज ए नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग
एट दी लंग्स वॉल, लंग्स की जो वॉल है, एल्वियोलाई की जो वॉल हैं, इनके ऊपर क्या लग रहा है, एक नेगेटिव प्रेशर लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा, बाकी भी पढ़ें। देर इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव प्रेशर होता तो अंदर की ओर लगता, अंदर की ओर लगता तो कोलैप्स हो जाती। प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन दैट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो ऐसा तो पॉसिबल किसी भी गैस के रेस्पेक्ट में है ही नहीं। देर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स में नेगेटिव प्रेशर बना रहता है, लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर बना रहता है, वो तो एक सक्शन फोर्स की तरह एक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ तो इसकी शेप मेंटेनिंग की बात हो रही है, तो शेप कौन बना कर रखता है, देर इज नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर होता है जो लंग्स की वॉल पर लगता है। ऑप्शन नंबर वन अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पर। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक, फेफड़े जो हैं वो वायु से भरे हुए कुछ कोशिकाओं के द्वारा बने हुए हैं। दी एल्वियोलाई कहते हैं दैट डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायर आपने कर दिया उसके बाद भी वो कोलैप्स नहीं हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ये बात मैंने आपको समझाई थी कि एल्वियोलाई कोलैप्स क्यों नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक एयर का वॉल्यूम है जो हमेशा इन एल्वियोलाई में भरा हुआ है, क्या कहलाता है, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाता है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑप्शन में देख ले कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, इन वॉल्यूम्स को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो नॉर्मल इंस्पायर, नॉर्मल एक्सपायर, आपने मेरे को ऑब्जर्व किया होगा, नॉर्मल इंस्पायर, नॉर्मल एक्सपायर, कोई भी एफर्ट मैंने एडिशनल नहीं लगाया है इसमें, क्या कहलाता है ये, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। 500 ml जो है एयर का एक्सचेंज इस दौरान देखा जाता है। ओके, अब आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मैंने नॉर्मल इंस्पायर कर लिया, उसके बाद मैं फोर्सफुल और कितना इंस्पायर कर सकता हूँ, आप मुझे ऑब्जर्व करें, नॉर्मल कर लिया, अब फोर्सफुल और कितना कर सकता हूँ इसके अलावा, ये क्या कहलाता है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। कहने का मतलब नॉर्मल जो टीवी आपने इंस्पायर किया उसके अलावा एडिशनल कितना इंस्पायर किया है, और ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल एक्सपायर कर दिया उसके बाद फोर्सफुली और कितना आप बाहर भेज सकते हो, ये क्या कहलाता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद नॉर्मली अपने फेफड़ों में जो है एक वॉल्यूम हमेशा बना रहता है, और ये क्या कहलाती है, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों मिलकर इसको बनाते हैं, और ये एक कैपेसिटी अपनी बनती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ अपन बात करेंगे कि वो वॉल्यूम कौन सा है जिसे अपन नहीं बाहर भेज सकते, वो तो कौन सा कहलाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे मूव करते हैं। देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसको ORD लिख कर भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखें, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। बोटुलिज्म, इसको विषाक्तता कहा जाता है, फूड पॉइजनिंग के नाम से जाना जाता है, रेस्पिरेशन से संबंधित नहीं है। क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम, इसका एजेंट भी याद रखें आप, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनियम। एम्फाइसीमा, अभी अपन ने देखा ही था सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हुआ था, एल्वियोलाई की जो एक्सचेंज सरफेस थी वो क्या हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, ये आंसर भी नहीं होगा। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड सिलिकोसिस, सिलिका डस्ट की वजह से अराइज होता है। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टस डस्ट की वजह से अराइज होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। ओके, एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर फाइब्रोसिस कंडीशन अराइज हो जाती है, प्रोलिफ्रेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू हो जाता है, एनसीआरटी की लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये ORD का एग्जाम्पल बनता है। एंथ्रेसिस, ये तो क्या है, जो लाइव स्टॉक होते हैं, जो पशुधन हैं, उनका एक डिसऑर्डर ये कहलाता है, डिजीज कहलाती है, जो ह्यूमन में भी स्प्रेड हो सकती है। ओके, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, ORD का सिलिकोसिस। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30 देखें आप, स्टडी करें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशंस इन द अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रेस्पेक्टिवली, अस्थमा और एम्फाइसीमा के दौरान लंग्स की जो कंडीशन है उनके लिए रेस्पेक्टिवली क्रम से क्या क्या ठीक है, आप देखें क्या क्या बताया गया। पहले अस्थमा की बात की है, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेशन की सरफेस बढ़ जाती है अस्थमा में ना, अस्थमा तो एक एलर्जिक रिएक्शंस थी, एलर्जन की वजह से अराइज हुई थी, आप देखें यहाँ पर पहला ऑप्शन और कौन सा आ रहा है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स,
इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्योल्स, एग्जैक्टली अपने पहले भी ये डेफिनेशन की बात कर ली है, अस्थमा क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स कहलाता है, अस्थमा के लिए ठीक है। अब रेस्पेक्टिवली में आगे एम्फाइसीमा के लिए बोल रहा है, एम्फाइसीमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा था एल्वियोलाई की सरफेस से वो रिड्यूस हो गया था, उसका एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया था। तो रेस्पेक्टिवली अस्थमा और एम्फाइसीमा के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, आप स्टडी करें इसको। मैच दी आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम 1 और कॉलम सेकंड, इनमें जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनको आपको मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं करेक्ट का चुनाव करना है उसमें से, ठीक है। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसके आगे ईयर लिखी हुई है वो तो आप देखते चल ही रहे हो। ओके, टाइडल वॉल्यूम सबको पता है बच्चों 500 ml होता है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 2500 से लेकर 2500 टू 3000 ml कहलाता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, ये 1000 से 1100 ml कहलाता है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा ही बना रहता है कितना होता है, 1100 से 1200 ml होता है। यहाँ मैं आपका ध्यान चाहूँगा, आपको और किसी भी वॉल्यूम में गड़बड़ नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि इनकी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम हैं। तो आप एक चीज़ याद रखना, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और एक रेजिडुअल वॉल्यूम है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, प्राण वायु ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको 100 ml ज़्यादा देना पड़ेगा, तो 100 ml ज़्यादा दिया तो 1000 से 1100, 1100 से 1200। तो एक बात यहाँ पर अपने ट्रिक बना ली कि रेजिडुअल वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से। अब इसको आप मैच कर लें, 500 कहाँ आ रहा है बच्चों, थर्ड में आ रहा है, 2500 से 3000 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है। ओके, 1000 से 1100 किस में आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है, और 1100 से 1200 किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। तो अपना बन गया 3142, ऑप्शन देखिए 3142 कौन सा है, 3142 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 स्टडी करें इसको, आप देखें टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी एंड ERV ये दोनों दिए गए हैं एक एथलीट के, 500 ml है और 1000 ml है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इंडिविजुअल की क्या होगी अगर इसका रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 1200 ml। तो यहाँ आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो, कन्फ्यूजन आपको नहीं हो किसको लेकर, रेजिडुअल वॉल्यूम को, क्योंकि आप सबको पता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है। ये वो कैपेसिटी है जो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर आउट कर सकते हो। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या एक्सपायर करोगे, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन और आप कर सकते हो। तो अपना क्या क्या बन जाएगा, टीवी प्लस ERV इक्वल टू किसके, इसी के होता है, तो टीवी प्लस ERV आपको करना है। टीवी कितना दिया हुआ है बच्चों, 500, ERV कितना दिया हुआ है, 1000 आपको दिया हुआ है, नेट कितना आ जाएगा, 1500 आपके पास आ जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, इसका यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो वो वॉल्यूम था जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, हमेशा लंग्स में ही बना रहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 32 के बाद मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 33 पर, देखें आप इसको, नीट 2019 में ही आया हुआ है। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बोर्न एलर्जन, वेरी इंपॉर्टेंट, एलर्जन की बात आ गई है, एलर्जन की बात आती है तो अस्थमा की बात होती है, एंड पोल्यूटेंट, मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो इन एलर्जन के कारण रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर अराइज होते हैं, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, कोजिंग वीजिंग ड्यू टू, और इनको वीजिंग अराइज हो जाती है, और वीजिंग घरघराहट ये जो ब्रीथिंग के दौरान अराइज होती है, क्या कारण है इसका। तो इसके ऑप्शन के लिए आप देखें क्या बोला है, प्रोलीफ्रिएशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल। तो एलर्जन के कारण ये सिम्टम अराइज नहीं हुआ था, अपने को पता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स के इन्फ्लामेशन की बात हुई थी। रिडक्शन इन सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट बाई द न्यूमोसाइट, न्यूमोसाइट के द्वारा सर्फेक्टेंट
न्यूमोसाइट फर्स्ट और सेकंड दो टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, सबको पता है एल्वियोलाई की वॉल में, और ये जो सर्फेक्टेंट सिक्रेट होता है ये एल्वियोलाई को अपनी शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, तो इसका भी कोई रोल नहीं है। बैनिंग ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल कैविटी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इसकी बात अपन नहीं करेंगे, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स की बात होगी यहाँ पर, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, तो गौर करना एयरबॉर्न एलर्जन आया, अस्थमा की बात हुई, अस्थमा की बात हुई तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स देखा गया। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर चला जाएगा। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक डाइजेस्टिव सिस्टम था अपना, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 33 तक रेस्पिरेटरी सिस्टम था अपना, तो अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चन इससे भी हर साल जो है वो नीट में पूछे जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं इन 7 सालों के दौरान, 7 ईयर्स के दौरान, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अपन मूव करेंगे तीसरा चैप्टर फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कौन सा, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34 पे मूव करते हैं, जो पहला क्वेश्चन है 2013 में AIPMT में आया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम का। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर केटाइन इज, यहाँ मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूँ, यहाँ बात आएगी एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा है इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर में कैटाइन और एनायन की बात होगी, पॉजिटिव नेगेटिव ये कैटाइन है बच्चों, और ऐसे ही इंट्रा सेलुलर में भी कैटाइन और एनायन की बात करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर में जो कैटाइन होते हैं ये अबंडेंसी में पाए जाते हैं, कौन सा कैटाइन, Na+, एक्स्ट्रा सेलुलर में सबसे ज़्यादा Na+, और एनाइन जो प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर में वो कहलाता है Cl-। इंट्रा सेलुलर जो कैटाइन मैक्सिममली अबंडेंटली प्रेजेंट होता है क्या कहलाता है, पोटेशियम कहलाता है, K+ कहलाता है इंट्रा सेलुलर में, और एनाइन की अगर बात करूँ तो वो क्या है, फॉस्फेट। ओके स्टूडेंट, तो ये डाटा आपको याद रखने हैं, इसी के बेसिस पर मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेलुलर कैटाइन पूछा है, इंट्रा सेलुलर कैटाइन अपना कौन सा बन गया, K+, तो आंसर नंबर 2 चला जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 35, द डायग्राम गिवन हियर इज द स्टैंडर्ड ECG ऑफ ए नॉर्मल पर्सन, द पी वेव रिप्रेजेंट दी, तो एक स्टैंडर्ड ECG आपको बताई गई है, डिटेल्ड ECG नीट के सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड ECG में पी वेव है, QRS कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है, किस किस को रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, तो यहाँ एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ECG में कौन सा इवेंट कार्डिक साइकिल का नहीं आता है, तो एट्रिया के रिपोलराइजेशन की बात नहीं होती है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन आएगा, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन आएगा, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन आएगा। अपने से पूछ रहा है पी तरंग क्या दर्शाती है, पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रिया के डिपोलराइजेशन को, जिसके ठीक बाद क्या होता है, बोथ एट्रिया का कॉन्ट्रेक्शन चालू हो जाता है, बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। अब सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रेक्शन है, लेकिन इस ऑप्शन में इंडिकेट नहीं हो रहा कि एट्रिया के सिस्टोल की बात कर रहे हैं या वेंट्रिकल के, आगे बढ़े, एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल नहीं, बिगनिंग की बात करेगा, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, एग्जैक्टली कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, सिस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया रिप्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा, पी वेव के द्वारा। ओके, अगला देर का इनिशिएशन ऑफ द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएशन ये QRS कॉम्प्लेक्स के दौरान देखा जाएगा, तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, 3rd चला जाएगा। ओके स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ें आप इसको, पर्सन विद ब्लड ग्रुप AB कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपियंट, यूनिवर्सल रेसिपियंट सर्वग्राही कहलाता है, किसी का भी ब्लड इसको दिया जा सकता है, यूनिवर्सल डोनर ओ ब्लड ग्रुप, ओ में भी पॉजिटिव या नेगेटिव, ओ नेगेटिव जो यूनिवर्सल डोनर बनता है क्योंकि उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, सॉरी कोई भी एंटीजन नहीं होता है। अगली बात देखें, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है, क्योंकि बोथ A and B एंटीजन ऑन RBC पाई जाएंगी, A और B दोनों ही एंटीजन तो प्रेजेंट होते हैं,
लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो किसी का भी ब्लड ग्रुप दे दो, उसका एंटीजन जो है एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन नहीं होगी तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड भी नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन बनता है? ए बी ब्लड ग्रुप बनता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन एओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मेमेलियन एओर्टा में मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कब होता है? तो आपको हार्ट का डायग्राम इसके लिए पता होना चाहिए। यही बात की थी अपन ने, क्या कहलाता है? दिस वन लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल। ओके स्टूडेंट, एओर्टा किससे जुड़ा हुआ है? लेफ्ट वेंट्रिकल के इस पोर्शन से पीछे की ओर से अराइज हो रही है, ठीक है? तो इसमें मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कब होगा? जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यही अपने से पूछ रहा है कि एओर्टा में मैक्सिमम कब होगा, तो आप ऑप्शन देखें, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोल के दौरान, बिल्कुल ठीक बात है। डायस्टोल ऑफ एट्रियम की बात ही नहीं करनी है इसमें अपने को, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के सिस्टोल के कारण तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, एओर्टा में बात नहीं करेंगे। डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के डायस्टोल के कारण तो क्लोजिंग हो जाएगी सेमिलोनर वॉल की और कनेक्शन टूट जाएगा। किससे? यहाँ से कनेक्टेड जो पीछे की और पल्मोनरी आर्क है उससे कनेक्शन इसका कट ऑफ हो जाता है। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 38। डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप वो हार्ट बीट को हियरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा ना, डॉक्टर कानों में लगा कर रखते हैं। डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ईच कार्डियक साइकिल में जो साउंड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं उनको हियर करने के लिए स्टेथोस्कोप को काम में लिया जाता है। द सेकेंड साउंड इज हर्ड ड्यूरिंग, कब सुनाई देती है? तो याद रखें, फर्स्ट हर्ड साउंड इज नॉन एज लब एंड सेकेंड हर्ड साउंड इज नॉन एज डब। तो दो हर्ड साउंड सुनाई देती हैं, एक कहलाती है लब, एक कहलाती है डब। ओके, इनके लिए एक चीज और आप याद रखें, लब जो है ये ज़्यादा इंटरवल की साउंड कहलाती है लेकिन पिच क्या होती है इसकी? कम होती है। और डप जो है शॉर्ट ड्यूरेशन की इंटरवल की साउंड कहलाती है और पिच क्या होती है? हाई होती है। अगर मैं इसका एक पिच और टाइम का ग्राफ बनाऊं तो लब के लिए तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर टाइम क्या ले रही है? ज़्यादा ले रही है। और डप की पिच की अगर बात करूँ तो डप की पिच क्या है? ये तो डप हो गई, ये लब हो गई, टाइम इंटरवल इसका कम हो गया। तो ज़्यादा पिच और शॉर्ट ड्यूरेशन की इंटरवल की साउंड क्या कहलाती है? डब। और ज़्यादा इंटरवल और कम पिच की क्या कहलाती है? लब कहलाती है। फर्स्ट हर्ड साउंड इज नॉन एज लब एंड सेकंड हर्ड साउंड इज नॉन एज क्या कहलाती है बच्चों? डब कहलाती है। अपने जो सेकंड हर्ड साउंड की बात कर रहा है, एक बात और याद रखें, ये दोनों ही हर्ड साउंड ओपनिंग ऑफ वॉल के कारण नहीं, क्लोजिंग ऑफ वॉल के कारण अराइज होती हैं, ठीक है? अब ये क्लोजिंग ऑफ वॉल के कारण कैसे अराइज होती हैं, थोड़ा सा इसको भी अपन डिटेल से देख लें, आ जाएं। ये अपन ने हर्ट के डायग्राम की बात की थी इस प्रकार, ठीक है? यहां क्या पाया जाता है? जो वॉल प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड, यहां क्या पाया जाता है? बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है, यहां पर ट्राइकस्पिड की प्रेजेंस देखी जाएगी, ठीक है? इससे कनेक्टेड यहां पल्मोनरी आर्क होगा पीछे और यहाँ एओर्टा होगा, सेमिलूनर वॉल पाए जाएंगे दोनों ही ओपनिंग पर, ठीक है? जब वेंट्रिकल्स फुली फिल हो जाएंगे ब्लड के द्वारा, एंड डायस्टोलिक जो वॉल्यूम होता है वेंट्रिकल्स का कितना बच्चों? 120 ml। जब ये फुली फिल हो जाएंगे तो यहाँ अब इनमें सिस्टोल चालू होगा, कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा। इस कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो है सबसे पहले जो कस्पिड वॉल जो वेंट्रिकल्स की ओर प्रोजेक्टेड हैं उनके ऊपर प्रेशर लगेगा, कस्पिड वॉल तेजी से बंद हो जाएंगे और सडनली क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वॉल के कारण अराइज हुई साउंड जो है वो फर्स्ट हर्ट साउंड कहलाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इन कस्पिड वॉल के कारण अराइज हुई लब कहलाती है, ठीक है बच्चों? कलर चेंज कर ले पेन का अपन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली चलता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूसली चलता जाएगा तो अब प्रेशर सेमिलोनर पर लगेगा, सेमिलोनर वॉल ओपन हो जाएंगे, ब्लड जो है वो
फ्लो हो जाएगा किस में? एओर्टा में और पल्मोनरी आर्क में ब्लड फ्लो हो रहा है। अब प्रेशर यहाँ घटेगा तो अब ये जो सेमीलूनर वॉल हैं ये वापस क्लोज होंगे। क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर वॉल प्रोड्यूसेज द सेकेंड हर्ट साउंड, और वो सेकेंड हर्ट साउंड क्या कहलाती है? इनकी क्लोजिंग की वजह से अराइज होने वाली डप कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो सेकेंड हर्ट साउंड कब अराइज होती है? सेमीलूनर वॉल के बंद होने से। ऑप्शन में आ जाए, वेंट्रिकुलर वॉल्स वाइब्रेट ड्यू टू गुशिंग इन दी ब्लड फ्रॉम दी एट्रिया। ये एक्चुअल में जो है पुशिंग कहलाएगा, बलपूर्वक निलय में आएगा। तो ब्लड जब वेंट्रिकल्स में पहुंचेगा उस दौरान कोई भी हर्ट साउंड नहीं है, हर्ट साउंड क्लोजिंग ऑफ वॉल के कारण अराइज हुई थी। ओके, सेमीलूनर वॉल क्लोजेज डाउन आफ्टर ब्लड फ्लोज इनटू वेसल फ्रॉम दी वेंट्रिकल्स, रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स से। ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। यहाँ से ब्लड जब कम्प्लीटली फ्लो हो जाएगा और यहाँ पर कुछ वॉल्यूम रह जाता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम 50 ml के आसपास कहलाता है। ठीक है, तो उसके बाद सेमीलूनर के बंद होने की वजह से सेकंड हर्ट साउंड डप अराइज होती है। आंसर कौन सा चला जाएगा? सेकंड। फिर भी चेक करें, क्रॉस चेक। ए वी नोड रिसीव सिग्नल फ्रॉम दी एस नोड, जो इंपल्स का ट्रांसमिशन है उस इंपल्स ट्रांसमिशन का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है किसमें? हर्ट साउंड प्रोडक्शन में। ए वी वॉल ओपन अप, वॉल की ओपनिंग के कारण कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, हमेशा क्लोजिंग के कारण प्रोड्यूस होती है। तो 38 का आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट? सेकंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज टू सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम। गौर करना, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे की बात कर रहे हैं, मतलब डबल ब्लड सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं। और डबल ब्लड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो रेप्टाइल से अराइज होना ये चालू हुआ था। रेप्टाइल्स में भी जो हायर रेप्टाइल्स जो क्रोकोडिलिया ऑर्डर के बने थे, क्रोकोडाइल हुआ, उसके बाद में एविज हुए, मैमल्स हुए, इनमें क्या पाया जाता है? डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो आप देखें, ये रेप्टाइल्स आ गया लेकिन क्रोकोडाइल नहीं है, व्हेल मैमल हो गई, शार्क फिश में आ गई, और फ्रॉग एम्फीबिया हो गया। तो एम्फीबिया में डबल नहीं है, फिशेज में डबल नहीं है, इस रेप्टाइल में, लिजार्ड में डबल नहीं है, डबल किस में है? व्हेल में। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी करें आप क्वेश्चन को। ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी कौन सी स्ट्रक्चर है ये? देखें आप, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा। ये अपने हर्ट के डायग्राम की बात होगी, अपने बार बार इसको बनाए। ओके, यहाँ से कनेक्टेड स्ट्रक्चर जो पीछे की ओर जा रही है क्या कहला रही है बच्चों? पल्मोनरी आर्क। आगे चलकर किस में डिवाइड हो रही है? ये पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाती है, पल्मोनरी आर्क। ठीक है ना, और यहाँ से कनेक्टेड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? एओर्टा। ये एओर्टा एओर्टिक आर्क के रूप में अराइज हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब कह रहा है ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ जो ब्लड प्रेशर है वो सेम एज दैट इन दी एओर्टा। एओर्टा में ब्लड प्रेशर के बराबर है? नहीं, यहाँ पर ब्लड दो डायरेक्शन में फ्लो कर गया है, तो इक्विवेलेंट ब्लड प्रेशर दोनों में नहीं हो सकता। बात क्या है? गलत। मोर देन दैट इन दी कैरोटिड, कैरोटिड वो फाइन ब्रांचेज हैं वेसल्स की जो हर्ट के मस्कुलेचर को ही ब्लड सप्लाई करती हैं, तो उसके भी इक्विवेलेंट नहीं होगा। मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन ये पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स के पास जाएगी, यहाँ ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का और वापस लौट कर आएगी। ठीक है, तो हर्ट ने अभी ब्लड पंप किया है तो ब्लड प्रेशर यहाँ तो ज़्यादा होगा, लेकिन जब लौट कर आएगा तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर क्या कहलाएगा? कम कहलाएगा। तो ये क्या कह रहा है? मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से ज़्यादा होता है। ऑप्शन क्या है? करेक्ट। चौथा और चेक कर लें, लेस देन दैट इन दी वेना केवा, वेना केवा से कम होता है। नहीं, वेना केवा में कम ब्लड प्रेशर होगा, और ये तो वो पॉइंट्स हैं जो अभी अभी अराइज हुआ है, ब्लड जो है प्रेशर के साथ फ्लो हो रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कौन सा चला जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 देखें आप, नेम दी ब्लड सेल हुज रिडक्शन इन नंबर कैन कॉजेज क्लोटिंग डिसऑर्डर, क्लोटिंग डिसऑर्डर अराइज हो जाता है इनके नंबर घट जाने की वजह से। उन ब्लड सेल का नाम आपको बताना है, लीडिंग टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है ये। ओके, और आपको पता है क्लोटिंग में रेस्पॉन्सिबल जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं वो फॉर्म्ड एलिमेंट कौन से कहलाते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स कहलाती हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट ऑप्शन देख लें, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ये वाला थ्रोम्बोसाइट नहीं देगा तो प्लेटलेट्स की ये बात करेगा। ल्यूकोसाइट WBC को ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है।
न्यूट्रोफिल्स एक टाइप की डब्ल्यूबीसी है, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है, तो अपना ऑप्शन ब्लड प्लेटलेट्स का कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, स्टडी करें आप इसको। सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड, सीरम ब्लड से डिफर होता है किसके कारण, तो सीरम क्या है याद करें, एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर। गौर से सुनना बच्चों, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो बचा हुआ अमाउंट क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो आप देखें इसमें कौन सा है, लैकिंग एल्बुमिन, ये तो प्रोटीन की बात हो रही है, लैकिंग क्लोटिंग फैक्टर, एग्जैक्टली लैकिंग एंटीबॉडीज, लैकिंग ग्लोबुलिन, नो। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम, ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, फ्रॉग्स हर्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी, फ्रॉग की बॉडी से अगर उसका हर्ट बाहर निकाल लिया जाए, कंटिन्यू टू बीट फॉर सम टाइम, वो हर्ट कुछ समय के लिए बीट करता रहता है, धड़कता रहता है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ऑप्शन में से इसके लिए बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने को। फ्रॉग इज ए पोइकिलोथर्म एनिमल, एग्जैक्टली ठीक है कि पोइकिलोथर्मिक एनिमल ये कहलाता है, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है ये रेगुलेट नहीं कर सकता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं पाया जाता है, पोइकिलोथर्मिक एनिमल कहलाता है, लेकिन हर्ट बीट से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन, फ्रॉग के पास में कोई भी कोरोनरी सर्कुलेशन नहीं पाया जाता, कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब हर्ट के मस्कुलेचर को ब्लड की नीड नहीं है, क्यों भाई ऐसा अन्याय फ्रॉग के साथ में क्यों, तो फ्रॉग का हर्ट बीट करेगा तो उसे भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी, कोरोनरी सर्कुलेशन के द्वारा ब्लड पहुंचेगा, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन इसका भी इसमें कोई भी रोल नहीं है। अगला देखें, हर्ट इज मायोजेनिक इन नेचर, दो टाइप के हर्ट अपन ने पढ़े हैं, न्यूरोजेनिक मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक जिनकी रेगुलेशन कंट्रोलिंग कहाँ से हो रही है, बाहर से, मायोजेनिक सेल्फ रेगुलेटरी कहलाता है, जो बीट अराइज होती हैं वो खुद के मस्कुलेचर से ही अराइज होती हैं, तो ह्यूमन में भी मायोजेनिक है, फ्रॉग में भी मायोजेनिक है, तो मायोजेनिक हर्ट होने के कारण अगर बॉडी से सेपरेट भी कर दिया तो बॉडी के हायर सेंटर्स ऑफ जो ब्रेन है उनके द्वारा रेगुलेशन नहीं है, फिर भी ये धड़कता रहेगा तो मायोजेनिक नेचर होना ठीक बात है, ऑटो एक्साइटेबल मायोजेनिक होता है तो ऑटो एक्साइटेबल भी होता है, ऑप्शन नंबर सी एंड डी जो है वो इस स्टेटमेंट के लिए करेक्ट हो जाएंगे, सी एंड डी आप देख लें कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखें आप, द हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर फ्रॉम, हिपेटिक पोर्टल, ये पोर्टल सिस्टम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ह्यूमन में जो पोर्टल सिस्टम पाया जाता है वो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के बीच जो पाया जाता है वो उपस्थित होगा, और एक जो है वो लीवर और अपनी एलिमेंट्री कैनाल रीजन के बीच, स्टमक स्प्लीन इनके बीच में पाया जाने वाला क्या कहलाता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम कहलाता है। ह्यूमन में कौन सा नहीं होता है, ह्यूमन में रीनल पोर्टल सिस्टम अब्सेंट होता है जो फ्रॉग में पाया जाता है। ओके, अब हिपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन्स ब्लड टू लीवर, हिपेटिक पोर्टल वेन लीवर में ब्लड लेकर आती है, कहाँ से लेकर आती है, तो आप देखें स्टमक से लेकर आती है, किडनी, इंटेस्टाइन, हर्ट, हर्ट में से जो ब्लड लेकर आएगा वो तो कोरोनरी वेन कहला जाएंगी, सबको पता है, इंटेस्टाइन से जो ब्लड लाएगा वो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का ही पार्ट कहलाएगा, किडनी से जो ब्लड लेकर आएगा वो क्या कहलाएगा, रीनल वेन्स कहला जाएंगी, तो ये भी इसका पार्ट नहीं बनेगा, ये भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। अब स्टमक और इंटेस्टाइन एग्जैक्टली दोनों से ही लेकर आती हैं, लेकिन ज़्यादा ब्लड कहाँ से आता है, इंटेस्टाइनल रीजन से, तो करेक्ट आंसर अपना कौन सा चला जाएगा, इंटेस्टाइन चला जाएगा। ओके, स्टमक से लेफ्ट और राइट जो गैस्ट्रिक वेन होती हैं ये डायरेक्टली आकर ओपन होती हैं, किसमें, हिपेटिक पोर्टल वेन। ओके स्टूडेंट, तो आंसर हो गया 44 का थर्ड। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखें आप इसको, क्वेश्चन नंबर 45, मैच दी आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट, यहाँ दिए गए आइटम्स जो हैं इनको मैच करना है कॉलम सेकंड के दिए गए ऑप्शंस के साथ में, एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है इसमें। ट्राइकस्पिड वॉल, अभी मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रिया और वेंट्रिकल इन दोनों के बीच पाया जाता है क्या, ट्राइकस्पिड,
बाइक का स्पीड लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है हार्ट के, सेमी लूनर वॉल कहाँ प्रेजेंट होते हैं जो वेंट्रिकल्स हैं और उनसे जो एग्जिट होने वाली जो वेसल्स हैं उनके बीच प्रेजेंट होता है, तो मैच कर दें। ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ है याद करें, राइट पोर्शन ऑफ हार्ट में पाया जाएगा, तो बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो इसका तो चला जाएगा थर्ड। बाइकस्पिड कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाया जाता है। सेमी लूनर वॉल कहाँ पाया जाता है, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, जो एग्जिट मैंने बताए थे उन्हीं के बीच, 3, 1, 2। तो ऑप्शन देख लें, ए बी सी सीक्वेंस में दिया है 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, वही फिर से मैच दी फॉलोइंग आया है, 2019 नीट का क्वेश्चन है। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को रिप्रेजेंट करती है, तो आप देखें डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कहाँ है, 4, तो इसका तो चला जाएगा 4। QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कहाँ है, 1 में, ये चला जाएगा। टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कहाँ है, 2 में, दिस वन चला जाएगा। रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव, टी वेव की साइज में रिडक्शन आना, ये डिटेल्ड ECG की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो पहले आप इन ऑप्शन को मैच कर लें, 4, 1, 2, कहाँ पे आ रहा है 4, 1, 2, 4, 1, 2, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 में से जाएगा। अब डी का आपको डिटेल्ड ECG नॉर्मली नहीं पता होगा आपको, तो ऑप्शन देखें, रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव थर्ड बता रहा है, थर्ड का मतलब कोरोनरी स्कीमिया पॉसिबिलिटी है। ओके, और यहाँ देखें फिफ्थ बता रहा है रिडक्शन इन साइज ऑफ टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, नहीं स्टूडेंट, रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया तो जब QRS चालू हुआ था उस दौरान स्टार्ट होना, उस दौरान चालू हो गया था, लेकिन यहाँ ये ऑप्शन फिफ्थ इसका नहीं जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कोरोनरी स्कीमिया क्या है, कोरोनरी जो ब्लड सप्लाई हो रही थी, कोरोनरी जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही थी हार्ट के मस्कुलेचर को, अगर वहाँ ब्लड सप्लाई कम होने लग जाए तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी अराइज हो जाती है हार्ट के मस्कुलेचर को, डिसऑर्डर क्या कहलाता है, कोरोनरी इस्कीमिया कहलाता है। तो अपना आंसर 46 का कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 स्टडी करें आप, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल, कहने का मतलब EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना बता दिया है, 100 ml। एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कहने का मतलब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में जो ब्लड है वो कितना है, 50 ml। इसको अपन क्या बोलेंगे, 50 ml क्या हो गया, ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कहला गया। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड भरा था उसमें से कुछ ब्लड पंप कर दिया गया, जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग क्या कहलाता है, ESV कहलाता है, वेंट्रिकल्स कभी भी एम्प्टी नहीं होते। ओके, तो EDV में से कुछ ब्लड चला गया तो ESV बचा, जो ब्लड चला गया वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। तो इन दोनों ही वैल्यू से अपने पास में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू EDV माइनस ESV। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 50 ml, 100 माइनस 50 कितना आ गया बच्चों, 50 ml। आप सभी जानते हैं कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू हार्ट रेट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, यही तो होता है। अपने से क्या पता करना चाह रहा है ये, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट पता करना चाह रहा है, तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी अपनी, HR इज इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट अपॉन SV। कार्डियक आउटपुट कितना है, 5 लीटर, ml में चेंज कर लो, 5000 ml हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आ रहा है बच्चों, 50 ml। ओके, ये इसे कितनी बार चला गया, 100 टाइम्स, तो अपनी हार्ट रेट क्या आ गई यहाँ पर, 100 आ जाती हैं। तो इसको आप देख लें ऑप्शन में, 100 beats per minute, ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, 1st। ओके, तो ये 47 तक क्वेश्चन अपन ने किए, और ये 47 तक जो क्वेश्चन अपन ने किए हैं ये सर्कुलेटरी सिस्टम के हैं, क्वेश्चन नंबर 34 से 47। अब अपन मूव करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4th आता है। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का 1st क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप स्टडी करें।
स्टडी करने का मतलब है आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है। ये देखें, आप फिगर दिया गया है यहाँ पर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ए बी सी डी चार पार्ट लेबल किए गए हैं। इन पार्ट के रेस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन ठीक है वो अपने को फाइंड आउट करना है। सी इज मेडुला, क्या सी मेडुला है? बिल्कुल, आप देखें मेडुलरी पिरामिड को इंडिकेट कर रहा है सी, तो मेडुलरी पिरामिड मेडुला का पार्ट कहलाता है। किडनी के दो रीजन हो गए, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। अगर एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊं तो ये अपना किडनी का पोर्शन बन गया, ये डिप्रेशन क्या कहला गया, हीलम कहला गया। इसके अंदर क्या पाया जाता है? फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है, मेजर कैलिसेज, माइनर कैलिसेज होती हैं, और डक्ट ऑफ बेलेनी के द्वारा क्या आकर ओपन होता है, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ आकर ओपन हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर कहलाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बात हो गई यहाँ किडनी की। सी मेडुला है, सही बात है। इनर जोन ऑफ जोन एट किडनी, तो किडनी का इनर जोन भी कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, पूरा नेफ्रॉन इसमें पाया जाता है। नहीं स्टूडेंट, नेफ्रॉन के पार्ट्स की अगर बात करूं तो बाउमन कैप्सूल, डीसीटी, पीसीटी, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं। लूप ऑफ हेनले कहाँ एम्बेडेड होती है? ये अपने मेडुलर रीजन में एम्बेडेड होती है। तो कंप्लीट नेफ्रॉन इसी में पाया जाता है, गलत हो गई बात। डी कॉर्टेक्स है, देखें कॉर्टेक्स है क्या? बिल्कुल बाहर वाले रीजन को डी के द्वारा बताया गया है, कॉर्टेक्स है, करेक्ट है, आउटर पार्ट ऑफ किडनी। एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, क्यों भाई ऐसा अन्याय क्यों? अभी अभी अपनी बात हुई है कि यहाँ पीसीटी पाया जाएगा, डीसीटी पाया जाएगा, बाउमन कैप्सूल प्रेजेंट होगा, तो ये डू नॉट होने की वजह से क्या हो गया, गलत हो गया। अगला देखें, ए एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर रीनल पार्ट के ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड एड्रिनल कहलाती है, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट, किडनी का ये पोर्शन पोस्टीरियर, ये पोर्शन एंटीरियर, ये भी बात ठीक है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी। सिक्रीट कैटेकोल एमीन्स विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, कैटेकोल एमीन का सिक्रीशन करता है। तो आपने एंडोक्राइन सिस्टम जो लास्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का 11th क्लास का, उसमें इस बात को पढ़ा भी है, कैटेकोल एमीन्स जो हैं वो एड्रिनल मेडुला के द्वारा सिक्रीटेड हैं। वो कौन से हैं कैटेकोल एमीन? एड्रिनलिन, नोरएड्रेनालिन, क्या कहलाते हैं? कैटेकोलामिन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्रॉस चेक करना है फिर भी, चौथा भी पढ़ना है अपने को। बी जो है वो पेल्विस है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी मैंने बोला था ये रीनल पेल्विस कहलाता है। ओके, ब्रॉड फनल से स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ठीक बात है। और स्पेस इनर टू हिलम, हिलम के अंदर पाया जाता है रीनल पेल्विस, ये भी ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, नो, लूप ऑफ हेनले के बाद तो कलेक्टिंग डक्ट आएगी, फिर जो एडक्ट ऑफ बेलिनी आएगी, उसके बाद में कैलिसेज आएंगी, माइनर और मेजर कैलिसेज, उसके बाद में रीनल पेल्विस आता है। तो ऑप्शन नंबर चार गलत हो गया, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया करेक्ट आंसर के रूप में? ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एन इंक्रीज इन सोडियम रीएब्जॉर्प्शन इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी जो है वहाँ से सोडियम रीएब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा इनमें से रेस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन है AIPMT 2014 का। ओके, तो सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, और कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन जो डीसीटी रीजन में लगता है सोडियम के लिए, वो रीएब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन लेवल, बिल्कुल ठीक बात है, एल्डोस्टेरोन का अमाउंट यहाँ बढ़ेगा, तो जिसके कारण कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन NA+ जो है उसका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर वन अपना करेक्ट आंसर चला जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, आप देखें, शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल, ह्यूमन मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और यूरिनरी सिस्टम की एक कॉमन डक्ट है, वो कॉमन डक्ट क्या कहलाती है? तो इसके लिए आपको डायग्राम के विषय में थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। ये अपन ने दोनों तरफ राइट और लेफ्ट किडनी की बात कर ली। अराइज होने वाली क्या कहलाती हैं? यूरेटर कहलाती हैं। यूरेटर ओब्लिकली कहाँ आकर ओपन होती हैं? यूरिनरी ब्लेडर में ओपन होती हैं। ओके स्टूडेंट, और यूरिनरी ब्लेडर के पोस्टीरियरली फिर यूरिथ्रा जो है वो अराइज होता है। यूरिथ्रा के तीन पार्ट कहलाते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, और ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं तो पेनिस रीजन में पिनाइल यूरिथ्रा कहलाता है, ठीक है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पाई जाएगी, इस प्रोस्टेट ग्लैंड वाले रीजन में अपने को प्रोस्टेट ग्लैंड वाले रीजन में ही रिप्रोडक्टिव जो डक्ट है वो भी आकर ओपन होगी, ठीक है। कहाँ से आई है? यहाँ सेमिनल वेसिकल पाया जाएगा, यहाँ वास डिफरेंस पाया जाएगा, एम्पुला के द्वारा इस यहाँ ओपन होगा, और ये इजेकुलेटरी डक्ट कहलाती है। ये वास डिफरेंस कहाँ से आई है बच्चों? ये टेस्टिस से अराइज हुई है, ठीक है।
इससे पहले एपिडिडाइमिस पाया जाएगा। टेस्टिस का एक सेपरेट स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सपोज ये टेस्टिस हो गया, ठीक है, ये अपना एपिडिडाइमिस कहला गया। एपिडिडाइमिस के तीन पार्ट होते हैं, कापुट, कॉर्पस और काउडा रीजन। और यहाँ से फिर वास डिफरेंस राइज होती है और ये वास डिफरेंस इधर कम्युनिकेट होती है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम की कॉमन डक्ट कौन सी है, तो आप देखें ये यूरिनरी सिस्टम चल रहा है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो ये वो रीजन बन रहा है जो कॉमन है इन दोनों के लिए। ये वो पाथवे है जहाँ से यूरिन का पैसेज भी होगा और यहाँ से जो स्पर्म का पैसेज भी होता है, तो ये कौन सा रीजन कहलाएगा, यूरेथ्रा रीजन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 बन गया। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, रिमूवल ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्रॉम नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन। नेफ्रॉन में आपको पता है ये अपन ने बाउमन कैप्सूल बनाया था, पीसीटी बनाया था, उसके बाद में लूप ऑफ हेनले की बात आई थी, डीसीटी आया था, कलेक्टिंग डक्ट की बात हो गई थी। क्या कहना चाह रहे हैं, किसका रिमूवल किया है इन्होंने, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को यहाँ से हटा दिया है। इसको हटाए जाने के रिजल्टेंट क्या होगा, कोई यूरिन नहीं बनेगा, ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनेगा, ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन बनेगा, नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ यूरिन। तो आपको पता होना चाहिए एनसीईआरटी की एक सिंगल लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, पीसीटी वो रीजन है जहाँ 70-80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर जो है वो क्या हो जाते हैं, रीअब्जॉर्व हो जाते हैं। अगर इतना पानी और ये इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्व नहीं होंगे तो फिर डाइल्यूटेड यूरिन का फॉर्मेशन हो जाएगा और मोर डाइल्यूट यूरिन कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 52 देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन की लार्ज क्वांटिटी के फॉर्मेशन को कौन फेवर नहीं कर रहा है, इसका मतलब है डाइयूरेसिस को अपोज करने वाला अपने को बताना है। तो अपने को पता है कि डाइयूरेसिस को अपोज कौन करता है, अल्कोहल, ये तो डाइयूरेटिक है, कैफीन डाइयूरेटिक है, ये भी नहीं होगा, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, ये जो है ये सिक्रेट हो रहा है किस कंडीशन के दौरान में, जब ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया गया था और उसको लोअर डाउन करने का ये काम करता है, वेजोडाइलेशन करवाने का काम करता है, हर्ट के मस्कुलेचर एट्रिया से सिक्रेट होता है एएनएफ फैक्टर। ओके, तो रेनिन जो है ये रेनिन कब सिक्रेट हो रहा था, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया था उस समय रेनिन सिक्रेट हुआ था, याद करो RAAS मैकेनिज्म चला था, रेनिन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है वो ऑपरेट हुआ था। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, कौन फेवर नहीं करेगा डाइल्यूट यूरिन को, रेनिन फेवर नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53, ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली सामान्यतः एसिडिक होता है किसके कारण, आइए ऑप्शन पे देखते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम एक्सचेंज जनरेट एसिडिटी। नो, पोटेशियम और सोडियम का जहाँ एक्सचेंज होगा वो तो पीएच बैलेंस का काम करेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, गलत। हाइड्रोजन आयन आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू, एग्जैक्टली यही आंसर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन एक्टिवली सिक्रेट हो रहे हैं फिल्ट्रेट में, इसके कारण यूरिन की एसिडिटी जो है वो बढ़ती है। द सोडियम ट्रांसपोर्टर एक्सचेंज वन हाइड्रोजन आयन फॉर ईच सोडियम आयन इन द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। तो इस प्रकार का पीएच ऑफ यूरिन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एसिडिटी ऑफ यूरिन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्सक्रीटेड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर एसिडिक, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो एसिडिक होते हैं, नो, ये स्टेटमेंट निकल, ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, सेकंड, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, स्टडी करें आप, इन मैमल्स विच ब्लड वेसल वुड नॉर्मली कैरी लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। हाँ स्टूडेंट, गौर करना, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, यूरिया साइकिल कहाँ चली थी, लीवर में ऑपरेट हुई थी, इसका मतलब लीवर से वो ब्लड वेसल जो अराइज हो रही है वो मैक्सिमम यूरिया जो है उसको कैरी आउट करेगी, और लीवर से अराइज होने वाली ब्लड वेसल क्या कहलाती है, कौन सी वेन, हेपेटिक वेन कहलाती है, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन नंबर देखें आप, द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। सोडियम के एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स का एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बच्चों कहाँ देखने को मिला था, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में, आंसर क्या चला जाएगा इसका, 1। ओके, तो डायरेक्ट अप्रोच करने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इनमें से करेक्ट है। तो इन ऑप्शंस को आप देखेंगे, इसका मतलब एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ काम आ रहा है, और वो कौन सा कंसेप्ट है बच्चों, याद करें, पीसीटी, डीसीटी, और यहाँ क्या हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले का कौन सा पार्ट,
डिसेंडिंग कौन सा पार्ट, असेंडिंग पार्ट कहलाता है। वाटर के लिए परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल नहीं है। वाटर के लिए इम्परमिएबल है और इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल है। ओके, अब मैच करें ऑप्शन को। द डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग पानी के लिए इम्परमिएबल है तो गलत हो गया है ऑप्शन। अगला देखें, असेंडिंग लिंब दिस वन ऑफ लूप ऑफ एनले इज परमिएबल टू वाटर, पानी के लिए परमिएबल है लेकिन ये तो इम्परमिएबल है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। डिसेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ एनले दिस वन इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो इम्परमिएबल है, परमिएबल नहीं है, गलत हो गई बात। द असेंडिंग लिंब दिस वन ऑफ लूप ऑफ एनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, पानी के लिए इम्परमिएबल है, बात क्या है सही, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, फोर्थ। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 स्टडी करें आप। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम विल नॉट कॉज इज द रिलीज ऑफ, तो ब्लड प्रेशर या वॉल्यूम का घट जाना उसके कारण क्या रिलीज नहीं होगा। अल्टीमेटली मैं कहूँ तो ये GFR से रिलेटेड, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से रिलेटेड क्वेश्चन कहला रहा है। ब्लड प्रेशर घटेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घटेगी, तो सबको पता है फिनोमिना कौन सा चला था, रास मैकेनिज्म चला था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सिक्रेट हुआ था, रेनिन सिक्रेट हुआ था, और रेनिन ने किसके ऊपर एक्शन की थी, एनजीओ, हाँ बोलो भाई, टेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर ने इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन सेकंड ने। एंजियोटेंसिन सेकंड अब कहाँ एक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर एक्ट करता है, और क्या करवाता है, वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। और कहाँ एक्ट करेगा, ये हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा, थ्रिस्ट सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, प्यास का केंद्र स्टिमुलेट होगा, मोर इनटेक ऑफ वाटर होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, GFR बढ़ाया जाएगा यहाँ पर। अगला काम क्या करेगा, ये किडनी पर एक्ट करेगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन होगा तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करवाया जाएगा DCT रीजन से। ओके, और अगला फंक्शन क्या करता है, ADH का सिक्रीशन भी इस कंडीशन में होता है, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये करवाता है। इसका मतलब ये सारे फंक्शन होंगे, केवल क्या नहीं होगा, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक का सिक्रीशन नहीं होगा। एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर तो तब सिक्रीट हो रहे थे जब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हर्ट के एट्रिया में से फ्लो किया, हर्ट के एट्रिया ने इसको डिटेक्ट किया, और एट्रिया से क्या सिक्रेट हुए, ANF सिक्रेट हुए, जिन्होंने क्या करवा दिया, वैजोडायलेशन करवा दिया, ब्लड प्रेशर को कम करवा दिया। बच्चों आंसर क्या चला जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 स्टडी करें इसको आप। दो कॉलम दिए गए हैं, इनको मैच करना है। हाँ बच्चों, ग्लाइकोस्यूरिया क्या होता है, ग्लाइकोस्यूरिया होता है यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस, कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। गाउट क्या होता है, यूरिक एसिड जॉइंट्स में एक्यूमुलेट हो जाना, कंडीशन क्या कहलाती है, डिसऑर्डर, गाउट कहलाता है। रीनल कैलकुलाई क्या है, मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट है जो कहाँ बनते हैं, किडनी में, तो सेकंड चला जाएगा इसका। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, आईटिस का मतलब क्या होता है बच्चों, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इज नोन एज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, थर्ड चला जाएगा। तो देखिए आप, 4, 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में है, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 वही फिर से मैच दी कॉलम करना है अपने को। कॉलम फर्स्ट, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ परफॉर्म्ड हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेलपिगियन कॉपरसेल्स में, 4 आ जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कौन रेस्पॉन्सिबल है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एनले लूप रेस्पॉन्सिबल है, फर्स्ट चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाता है, यूरेटर करवाती हैं, तो सेकंड चला जाएगा। स्टोरेज ऑफ यूरिन कौन करवाता है, यूरिनरी ब्लैडर, थर्ड चला जाएगा। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन देखिए कौन सा है, 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 60 पर। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस फिनोमिना के दौरान आर्टिफिशियल किडनी काम में ली जाती है, हीमोडायलाइजर मशीन इसमें काम में लिया जाता है, और हीमोडायलाइजर मशीन काम में लिया जाता है इसका मतलब किडनी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। तो मे रिजल्ट इन क्या होगा इसके कारण, नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्ट अप इन दी बॉडी, वो तो तब होगा जब ये हीमोडायलिसिस फिनोमिना ही ऑपरेट नहीं होगा, गलत हो गया। नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन का एलिमिनेशन नहीं होगा तो फिर ये फिनोमिना क्यों ऑपरेट हो रहा है, गलत हो गया ऑप्शन। रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम दी GIT से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन जो है वो घट जाएगा। यहां मैं आपका ध्यान चाहूंगा
किडनी के द्वारा कैल्शियम का जो एलिमिनेशन है, या मैं अल्टीमेटली कहूँ तो किडनी जो है बॉडी में कैल्शियम आयन के होम्योस्टेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। अगर बॉडी में कैल्शियम आयन का अमाउंट घट जाएगा तो फिर कैल्शियम आयन को बढ़ाया जाएगा। कहाँ से बढ़ाया जाएगा? जीआई ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब किया जाएगा, बोन का रिजॉर्प्शन होगा, और रीनल जो ट्यूब्यूल्स हैं उन रीनल ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करवाया जाएगा। इसका मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये आर्टिफिशियल किडनी है तो ये फिनोमिना नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये एक रिजल्ट इसका बनेगा। अगला है रिड्यूस्ड आरबीसी प्रोडक्शन। आरबीसी प्रोडक्शन में किडनी का क्या रोल है? बच्चों याद करो, इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीशन कौन करता है? आरबीसी ही करती है, और इरिथ्रोपोएटिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? आरबीसी फॉर्मेशन में। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो सी एंड डी जो हैं वो रिजल्ट्स होंगे किसके? अगर आर्टिफिशियल किडनी काम में ली जाएगी तो सी एंड डी ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन? कौन सा फैक्टर जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है? सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन का तो आरबीसी प्रोडक्शन में रोल है, गलत बात। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये जीएफआर की अमाउंट बढ़ रही है घट रही है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी इसके उत्तर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा। लो लेवल ऑफ एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, एडीएच का लो लेवल होगा तो उस कंडीशन में तो ज़्यादा डायल्यूट यूरिन बनेगा, कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन की बातें नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। मेंटेनिंग हाइपर ऑस्मोलिटी टुवर्ड इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम इन द किडनी। बच्चों याद करो, ये किडनी, किडनी का आउटर पार्ट, कॉर्टेक्स ये पार्ट, मेडुला, यहाँ कंसनट्रेशन कितनी थी जो इनिशियली फिल्ट्रेट बना था? 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और जो जो अपन मेडुला की ओर जाते हैं तो ये कंसनट्रेशन जो है बढ़ती चली जाती है, 300 से डीप इनटू द मेडुला कितनी हो जाती है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि इनिशियल जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट बना था और फाइनली जो यूरिन बना है वो इनिशियल का कितना ज़्यादा, कितना गुना जो है वो कंसनट्रेटेड है? तो 4 times कंसनट्रेटेड कहलाता है, क्योंकि यहाँ कितना था? 300, यहाँ कितना है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ओके, तो ये ऑप्शन जो है ये रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इसके लिए आंसर चला जाएगा 4th। हाँ, तो स्टूडेंट अपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 61 तक जो 4 चैप्टर से बिलोंग कर रहे हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो 2013 से 19 तक इन चारों चैप्टर में से जो 61 क्वेश्चन आए हैं वो वीडियो सॉल्यूशन के द्वारा मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। आई होप सो आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को। अब एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, और सूचना किस प्रकार की है, जो हम पूरे साल आपको क्लासेज में भी बोलते हैं कि आप टोटली एंड टोटली फोकस करें किसको? एनसीईआरटी को। हमारे नोट्स जो हैं वो आपको टॉपिक्स को इजी समझने के लिए हैं। अब आपने एक बार टॉपिक समझ लिया तो बार बार नोट्स पढ़ के आप अपनी रीडिंग हैबिट जो है उसको तो डेवलप कर सकते हो, लेकिन जो कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स तो बेटा जी आपके एनसीईआरटी से ही अराइज होंगे। इसलिए आप उन नोट्स को तो एक तरफ रख दें, वो टॉपिक आपने समझ लिया अच्छे से, अब बार बार आप एनसीईआरटी को रीड करें। जितनी बार आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे उतनी बार आपके सामने नई चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आएंगी, ठीक है। अब अल्टीमेटली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सीएलसी ने आपके लिए clclive.in पर बहुत सारा मैटर जो है स्टूडेंट वेलफेयर में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल करवा रखा है। हमने लाइव क्लासेज जो है वो स्टार्ट कर दी हैं। 16 अप्रैल को पहला बैच हमारा चालू हुआ था, 27 अप्रैल को सेकंड चालू हुआ है, और 7 मई को अब जो है थर्ड फेज हमारा ऑनलाइन का चालू होने जा रहा है। इसी प्रकार स्कूलिंग में भी हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेज अवेलेबल करवाई हैं। हमारे फाउंडेशन की, प्री फाउंडेशन की और टारगेट बैचेज की, जेई और नीट के लिए जो क्लासेज चल रही हैं उसके लिए आपको 10,000 पेमेंट्स के थ्रू जाना है। ये फीस आपकी जो है आगे चलकर मेन फीस में आफ्टर लॉकडाउन एडजस्ट कर दी जाएगी, ओके। और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं clclive.in पर, उनसे आप गो थ्रू जरूर हों। हमने 30,000 क्वेश्चन, जैसा कि बॉस ने 4 मई के लाइव में आपको बताया भी था, स्टूडेंट्स के लिए 22,000 क्वेश्चन, मेडिकल के स्टूडेंट के लिए 8,000 क्वेश्चन हमने जेई के स्टूडेंट के लिए अपलोड किए हुए हैं। तो आप उन क्वेश्चन को जो है वो अपने हाथ से ज़रूर निकालें, और ये आपके बेनिफिशियल भी साबित होगा, ठीक है। तो आई होप सो आप घर पर रहकर काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे इन वीडियो लेक्चर्स को, हमारी वीडियो क्लासेज चल रही हैं उनको भी, ओके। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, ओके, थैंक यू।